विवादों में रहने की डॉक्टर जाकिर नायक की एक नई आदत सी बन गई है। अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर जाकिर नायक ने मलेशिया के हिंदुओं को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मलेशिया के हिंदू नरेंद्र मोदी को वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद महती से ज़्यादा मानते हैं। उनके ये कहते ही मलेशिया के कई विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनका कहना था कि डॉक्टर जाकिर नायक की ये टिप्पणी देश में एक विवाद पैदा कर सकती है। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने बातों को ये कह के टालने की कोशिश की कि उनका लिया गया ये कदम एक गलत नज़र से देखा जा रहा है और गलत नज़रिए से पेश किया जा रहा है। पहले जानने के लिए आप देख लीजिए ये खबर। विवादास्पद भारतीय इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक ने नस्ली टिप्पणी को लेकर माफ़ी मांगी है। उनकी टिप्पणी के कारण उन्हें मलेशिया से निष्कासित करने की मांग तेज़ होने लगी थी। एक दिन पहले ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक ने 9/11 के हमले को अंदरूनी काम बताया था। वह 2016 में भारत छोड़कर मुस्लिम बहुल देश मलेशिया चले गए थे, जहां उन्हें स्थायी निवास हासिल हुआ था। भारत में वह कट्टरपंथ को भड़काने और घन घुसण के मामले में वांदित हैं और नई दिल्ली ने पिछले वर्ष मलेशिया से उन्हें प्रेरित करने के लिए कहा था, लेकिन भारत के आग्रह को खारिज कर दिया गया। नायक ने कहा कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा अधिकार हासिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें निष्कासित करने से पहले चीनी मूल के मलेशियाई लोगों को निकाला जाना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के बाद उन्हें निकाले जाने की मांग तेज़ हो गई। पुलिस ने सोमवार को उनसे 10 घंटे तक इस संदेह पर पूछताछ की। वे जानबूझकर इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं ताकि शांति भंग की जा सके। नायक ने मंगलवार को कहा कि उनके विरोधियों ने उनके बयान को मुद्दे से हटा कर लिया है। उन्होंने कहा, मेरा इरादा कभी किसी व्यक्ति या समुदाय को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा, यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इस गलतफहमी के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। सरकारी संवाद समिति बेरनामा ने खबर दी कि प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा कि नायक ने हदें लांग दी हैं और कैबिनेट के कई मंत्रियों ने उसे निकालने जाने की अपील की। साथ ही पुलिस ने उसे मलेशिया में कहीं भी सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया है। मलेशिया के 3,20,00,000 की आबादी में करीब 60% नवासी मुस्लिम हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में भारतीय और चीनी समुदाय के लोग भी रहते हैं। देखा कि डॉक्टर जाकिर नायक किसी भी तरीके से इस विवाद को फैलाने का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उनका कहना है, उनके शब्दों को तोड़ मोड़ के बताया जा रहा है और जो वो असल मायनों में कहना चाह रहे थे उन चीज़ों को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कई मलेशियाओं के नेताओं ने उन्हें भगौड़ा भी कहा और देशद्रोही तक का इल्ज़ाम लगाया, जबकि डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बोला उनके कहने का वो मकसद बिल्कुल नहीं था और वो मलेशिया के सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप इसी तरीके से पलपल न्यूज़ से जुड़े रहिए और देखते रहिए पलपल न्यूज़, जानने के लिए कि देश में और दुनिया में क्या खबरें चल रही हैं। शुक्रिया।